पहाड़ देखो ना, अकेला ही खड़ा हुआ है, छोटा सा ही टिल्ला बचा है बेचारा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं है, आगे आगे दुनिया खत्म है ऐसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऋषिकेश में आकर आप ऋषिकेश के आसपास की बहुत जगह घूमे होंगे, लेकिन इस जगह नहीं गए होंगे जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ ऋषिकेश से कुंजापुरी माता मंदिर की ओर। ये मंदिर 51 सिद्धपीठ में से एक है। जितना अद्भुत ये मंदिर है, उतना ही सुंदर इसका पहुँचने तक का रास्ता है। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों के साथ साथ पहाड़ों की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आप किस रास्ते से जा सकते हैं और रास्ते में आपको बेहतरीन व्यू के साथ साथ क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अभी मैं हूँ ऋषिकेश में देहरादून रोड पर। यहाँ पर ये सामने इंद्रमणि चौक है और सामने सीधा रास्ता जाता है देहरादून की ओर, और लेफ्ट साइड में आप हरिद्वार की ओर जा सकते हैं। हमें जाना है राइट साइड वाली रोड पर जो जाता है ढालवाला की ओर। इस रास्ते से आप राम झूला, लक्ष्मण झूला और चार धाम यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल देने वाली हूँ कि कौन सी रोड कहाँ जाती है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। ये हमारे सामने है भद्रकाली मंदिर। यहाँ पर दो रास्ते हैं। ये राइट साइड वाला रास्ता जाता है राम झूला, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तरफ, और हमें जाना है लेफ्ट साइड वाले रास्ते से। ये रास्ता जाता है नरेंद्र नगर टीरी की तरफ, और इस रास्ते से आप गंगोत्री यमुनोत्री भी जा सकते हैं। ऋषिकेश से कुंजापुरी लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। इस रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है, ये देखिए यहाँ पे भी अभी लैंडस्लाइड हुआ है। बारिशों में ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम चल रहा है। पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड कंडीशन, अभी भी पूरी तरह रोड खुले नहीं है। अरे मैक्सिमम जगह तो ठीक कर दी है। ये है यू टर्न पूरा, ये देखो। हम यहाँ से आए थे और ये देखो। सो गाइज, आप ऋषिकेश से कुंजापुरी बाइक या स्कूटी से भी आ सकते हैं। अगर आप बाइक या स्कूटी से आते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से पूरी रोड खराब हो चुकी है।
लैंडस्लाइड हुआ होगा ना यहाँ पे। इस ट्रक में भी बज रही है ना, बहुत ज्यादा काम चल रहा है यहाँ पे, ट्रक ही ट्रक देखने को मिल रहे हैं हमें। व्यू देखो आप, यहाँ से ऋषिकेश बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आइए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। यहाँ से आप बहुत ही सुंदर व्यू ले सकते हैं, पूरा ऋषिकेश दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से आपको ऋषिकेश में गंगा जी की सारी धाराएं देखने को मिलेंगी कि गंगा जी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। फिलहाल अभी हमें नरेंद्रनगर बाईपास पे, ये देख सकते हैं आप, ये है होटल आनंदा। ये बहुत बड़ा है और ये इसकी एंट्रेंस है। पहले ये राजा रानी का महल हुआ करता था। ये जो रास्ता है हमारे लेफ्ट साइड में, ये आ रहा है नरेंद्रनगर से, ये देख सकते हैं आप। और हमें जाना है इस तरफ ऊपर की ओर। यहाँ से आप उत्तरकाशी चंबा भी जा सकते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ से आप जा सकते हैं। इस रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। ये देखिए, अगर आप बाइक और स्कूटी से आते हैं तो आपको अलग ही मजा आने वाला है। यहाँ से इस रास्ते में आपको छोटे छोटे फूड ट्रक मिल जाएंगे जहाँ पे आप राजमा चावल, छोले चावल या स्नैक्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और भी है, यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे फूड ट्रक देखने को मिल जाएंगे। ये पहाड़ देखो ना, अकेला ही खड़ा हुआ है, छोटा सा ये टिल्ला बचा हुआ है बेचारा। तो छोटे छोटे पहाड़ है ना यहाँ पे, एक बच्चा अकेला सा है। मॉनसून के टाइम पे ना यहाँ पे पूरा बादल ही बादल आ जाते हैं, पूरा फोगी हो जाता है ये रास्ता। नरेंद्रनगर इतना बड़ा है क्या, खत्म नहीं हो रहा अभी? तो फगोट आ गया, फगोट। ओह वाओ, ये देखो व्यू देखो आप यहाँ का। ओ बस मजा आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से लैंडस्लाइड हुआ और पूरा रास्ता बंद है। हैं रास्ता खुला होगा, कितना नीचे तक लैंडस्लाइड है यार। रास्ते पता नहीं खुला होगा नहीं खुला होगा, बाकी जेसीबी लगी हुई है, देखते हैं रास्ता खुला है नहीं खुला। ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखा, ओह माय गॉड यार, यहाँ पे ना बारिशों में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्या बंद है रास्ता, एक गाड़ियां जा तो रही हैं, खोल दिया गया है रास्ता, लेकिन धीरे धीरे जा रही है, पर जा रही है गाड़ी। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, सावधानी पूर्वक चलें। वाह, ये तो पूरा पहाड़ ही गिर गया ऐसा लग रहा, और ऊपर देखो बादल चल रहे हैं। देखो जेसीबी लगी हुई है यहाँ पे, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। रास्ता खोल दिया है,
किया था ना वो। ये आ गया है कुंजापुरी, यहाँ से हमें जाना है राइट साइड की ओर, है ना। ये मंदिर से, इस मंदिर से ये रास्ता निकल जाता है राइट साइड में, यहाँ से हमें जाना है राइट साइड। ये है कुंजापुरी द्वार, यहाँ से कुंजापुरी 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, ये पूरा फॉरेस्ट है, ये थोड़ा रिस्की एरिया है, यहाँ पे लेपर्ड वगैरह मिल सकते हैं आपको। ये देखो पूरा फॉरेस्ट है, ये बहुत ही शांति का एरिया है, ये बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, रास्ता भी बंद ही है ना ये। और व्यू देखो आप यहाँ से, ओह माय गॉड, यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो आप दिन में ही आइएगा, रात को थोड़ा रिस्की हो जाता है यहाँ पे आना। कृपया मोड़ों पर हॉर्न दें, ओके। ये पेड़ देखो कैसा है, अरे ये पेड़ देखो ऐसा लग रहा सांप है ये, है ना। ऊपर का ही टूट गया। यहाँ से तो अभी हम और ऊपर जाने वाले हैं। मेरे तो रुके नहीं भाई कान, मेरे तो कान वान रुके नहीं। क्या तर? मेरे अच्छी क्वालिटी के कान है। वैसे यहाँ पे मोस्टली सबके कान रुक जाते हैं, मेरे अच्छी क्वालिटी के कान है, नहीं रुके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं है, आगे आगे दुनिया खत्म है। तीन किलोमीटर हो रहा है अभी। व्यू पॉइंट फास्ट फूड सेंटर, स्कूटी का भी मस्त रास्ता है यहाँ का। पूरा कुंजापुरी टेम्पल, ये देखो पूरा आप देख सकते हैं, ये है कुंजापुरी मंदिर, हमें वहां तक जाना है। छोटा सा मंदिर है, वो देखो वो है कुंजापुरी मंदिर। और ये रोड अभी की नहीं है, बहुत पहले की बनाई हुई है रोड। हम पहुंचने वाले हैं अभी कुंजापुरी। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे होम स्टे भी है। यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। हम पहुंच चुके हैं कुंजापुरी मंदिर के दर्शन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।